हेलो गाइस वेलकम टू कर मीडिया वन सगेन माय नेम इज गुलशन झा फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि एमसीसी के अंडर आने वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एमडीएस कोर्स के लिए स्टाइपेंट कितनी देती है अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग स्टाइपेंट प्रोवाइड करती है फर्स्ट ईयर में कितनी देती है सेकेंड ईयर में कितनी देती है और थर्ड ईयर में कितनी देती है कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी जो, जो स्टाइपेंट जिनके स्टाइपेंट में कोई किसी तरीके की इंक्रीमेंट सेकेंड या थर्ड ईयर में नहीं होती है मगर कुछ कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो स्टाइपेंट में इंक्रीमेंट करती है तो वो स्टाइपेंट को हम जानेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एमडीएस कोर्स करते टाइम में स्टूडेंट्स को कितनी स्टाइपेंट देती है और साथ में आ, अगर आप आ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की स्टाइमेंट जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसको आप जाकर के उस वीडियोस को अगर आप जाकर के उस वीडियो को चेक करेंगे तो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें एमडीएस की तरफ से कितनी स्टाइपेंट दी जाती है उसके बारे में आपको पता लग पाएगी अब एक दूसरी बात क्या है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की स्टाइपेंट उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वी ऑल नो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टाइपेंट ज़्यादा दी जाती है वहाँ की फीस भी ऑलरेडी कम होती है बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ तो हमें एक और बात मालूम है ये सच्चाई है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है इवन दो उसके बाद भी जो उनकी स्टाइपेंट होती है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपेरिजन में कम दी जाती है बट स्टिल मेन मोटिव इस टू की कितनी दी जाती है स्टाइपेंट उस स्टाइपेंट uh, को जानना जरूरी है बिकॉज uh, uh, सभी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल नहीं सकती और uh, जो जब स्टूडेंट student, स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट या फिर डीम्ड की तरफ अपना रुख अख्तियार करेंगे वो ट्राई करेंगे कि उन्हें या तो डीम्ड या तो सस्ते डीम्ड या तो फिर प्राइवेट डीम्ड मिल जाए और अगर डीम्ड में कुछ ऐसे डीम्ड है जो कि अच्छे हैंडसम स्टाइपेंट देती है वो डीम्ड मिले तो फिर और अच्छी बात है तो लेट्स सी लेट्स चेक कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में स्टाइपेंट कितनी जाती है Uh, सबसे पहले तो मानव रचना डेंटल कॉलेज फरीदाबाद में सिर्फ 5000 की स्टाइपेंड दी जाती है किसी तरीके की इंक्रीमेंट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है नहीं सो फाइव थाउजेंड पर मंथ फर्स्ट ईयर में भी दी जाती है 5000 पर मंथ सेकेंड ईयर में भी दी जाती है और 5000 पर मंथ थर्ड ईयर में भी दी जाती है ए बी शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस मैंगलोरू में uh, सिक्स थाउजेंड दी जाती है सिक्स पर मंथ फर्स्ट ईयर में किसी तरीके की इंक्रीमेंट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या में है नहीं सो ऑल द थ्री ईयर्स तीनों ही साल में सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड ही दी जाती है भारतीय विद्यापीठ डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे में स्टाइपेंड uh, थोड़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती है थर्टी सेवन थाउजेंड पर मंथ फर्स्ट ईयर में दी जाती है फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेकेंड ईयर में प्रोवाइड की जाती है और फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्ड ईयर में प्रोवाइड की जाती है और ये जो स्टाइपेंड है ये पर मंथ दी जाती है तो जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ वो पर मंथ बेसिस पे है उसी तरीके से भारतीय विद्यापीठ की दो और ब्रांच है एक सांगली में और एक नवी मुंबई में तो सांगली और नवी मुंबई इन दोनों ब्रांचेस में मतलब भारतीय विद्यापीठ के तीनों ब्रांचेस में जो स्टाइपेंड दी जाती है वो बिल्कुल सेम दी जाती है थर्टी सेवन थाउजेंड पर मंथ फर्स्ट ईयर फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ सेकेंड ईयर और फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ लास्ट ईयर में उसके बाद डॉक्टर पाटिल नवी मुंबई पर मंथ सेकेंड ईयर में देती है और सेवन थाउजेंड पर मंथ थर्ड ईयर में देती है डीवाई पाटिल की और एक ब्रांच है पुणे में वो पुणे ब्रांच भी सेम स्टैपेंट प्रोवाइड करती है फाइव थाउजेंड पर मंथ फर्स्ट ईयर में सिक्स थाउजेंड पर मंथ सेकंड ईयर में और सेवन थाउजेंड पर मंथ थर्ड ईयर में इसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज एंड एस पांडिचेरी जो 5000 पर मंथ स्टाइपेंट देती है तीनों ही साल में फर्स्ट ईयर में भी 5000 पर मंथ देती है सेकेंड और थर्ड ईयर में भी 5000 पर मंथ ही देती है किसी तरीके की इंक्रीमेंट सेकेंड या ये थर्ड ईयर में नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस भुवनेश्वर की बात करें तो थर्टी सिक्स थाउजेंड पर मंथ फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड करती है थर्टी एट थाउजेंड पर मंथ सेकेंड ईयर में प्रोवाइड करती है फोर्टी थाउजेंड पर मंथ थर्ड ईयर में प्रोवाइड करती है जे डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैसूर बहुत बड़ी कॉलेज है बहुत अच्छी कॉलेज है ये कॉलेज भी स्टाइपेंड कम ही देती है अक्सर आप देखेंगे कि उस साइड में जब प्राइवेट कॉलेजेस की बात आती है तो फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस और कुछ डीम्ड कॉलेजेस जो है वो स्टाइपेंट बहुत कम देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस तो बिल्कुल स्टाइपेंट देती भी नहीं है uh, मगर जो डीम्ड कॉलेजेस हैं वो फिर भी स्टाइपेंट देती है मगर वो अमाउंट बहुत कम है जीएसएस जैसे कॉलेजेस जो हैं वो भी एम में जो स्टेपेंट दे रहे हैं वो सिर्फ फोर थाउजेंड पर मंथ फर्स्ट ईयर में देती है फाइव थाउजेंड पर मंथ सेकेंड ईयर में देती है और सिक्स थाउजेंड पर मंथ थर्ड ईयर में देती है उसी तरीके से के एम शाह डेंटल कॉलेज सुमनदीप विद्यापीठ वडोदरा गुजरात की ये डेंटल गुजरात की ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो फर्स्ट ईयर में फाइव थाउजेंड पर मंथ देती है सेकेंड ईयर में फाइव थाउजेंड पर मंथ देती है और थर्ड ईयर में भी फाइव थाउजेंड पर मंथ दे ही देती है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस भुवनेश्वर जिसकी फीस अमंग्स द डीम्ड यूनिवर्सिटीज अगर आप देखेंगे

स्टैपेंट प्रोवाइड करती है एमडीएस कोर्स में जो कि एक अच्छी अमाउंट है हैंडसम अमाउंट है मणिपाल कॉलेज मणिपाल से पहले के की बात करें तो केएल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस बेलगावी थ्री थाउजेंड पर मंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल में थ्री थाउजेंड पर मंथ देती है तो कॉलेज बहुत ही अच्छी है बहुत बड़ी है इस कॉलेज की जो आ, पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है अकेडमिक्स बहुत अच्छी इंफ्रा बहुत अच्छी है पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है जो चेयर्स हैं वो भी अच्छे काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे बट जो स्टाइपेंड देती है वो बहुत कम देती है थ्री थाउजेंड पर मंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में देती है मणिपाल की बात करें तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल थर्टी थाउजेंड पर मंथ फर्स्ट ईयर में देती है थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ सेकेंड ईयर में देती है और फोर्टी थाउजेंड पर मंथ थर्ड ईयर में देती है और मणिपाल मैंगलोर की बात करें तो मैंगलोर और मनीपाल क्योंकि सेम uh, कॉलेज के ही दो अलग अलग ब्रांच है तो स्टाइपेंड बिल्कुल सेम है थर्टी थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड और फोर्टी थाउजेंड फर्स्ट ईयर में थर्टी थाउजेंड सेकेंड ईयर में थर्टी फाइव थाउजेंड और थर्ड uh, ईयर में फोर्टी थाउजेंड पर मंथ इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन जिनकी जो लिस्ट है वो लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है आप उस लिस्ट में जाकर के बाकी सारे कॉलेजेस की भी स्टाइपेंड चेक कर लें और इनकी भी स्टाइपेंड उसमें दी गई होगी आप चाहें तो वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू और फ्रेंड्स एक और सजेशन है करियर मीडिया की तरफ से आप सभी एम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टू सेशन के लिए एम डी एस की जो एग्जाम है वो क्वालिफाई किया है जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए एक छोटा सजेशन है बट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो ये जो अभी टाइम मिला है इस टाइम में थोड़ा सा आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करें देखें कि कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं किन कॉलेजेस को कि, किस प्रायोरिटी में रखी जा सकती है क्योंकि अभी जो ये आपको टाइम मिला है ये टाइम आपको इसलिए मिला है कि आप थोड़ा अपने लेवल पर चेक कर सकें गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में भी जान सकें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए आपको उसके साथ साथ Uh, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं प्लस जिस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें वहाँ पे कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं कौन कौन से कॉलेजेस की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कौन कौन से कॉलेजेस टॉप लेवल के हैं कौन कौन से कॉलेजेस एवरेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ़ उनके अकेडमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर चीयर्स सभी चीज़ों पर थोड़ा सा रिसर्च करें जिससे कि आपको काउंसलिंग की जब स्केड्यूल आए और काउंसलिंग अटेंड आप जब करें तो उस टाइम में आपको चॉइस फिलिंग में और बाकी सभी चीज़ों में मतलब काउंसलिंग जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसमें किसी तरीके की दिक्कत ना हो और आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग जितनी अच्छी कॉलेज हो सके उतनी अच्छी कॉलेज आपको मिल सके बाकी अगर आप करियर मीडिया से हेल्प लेना चाहते हैं गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारी पेड सर्विसेज भी है उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और करियर मीडिया से पेड सर्विसेज भी आप ले सकते हैं जिसमें हम आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग ईच एंड एवरी डिटेल्स को लेकर के आपको गाइड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपके साथ थ्रू आउट द काउंसलिंग पूरी काउंसलिंग जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक आपके साथ बने रहेंगे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एम डी एस के अपडेट्स के साथ तब तक के अ नाइस डे थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट